हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू औषधि। घरेलू औषधि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लाइफ में नेचुरल रहें, हेल्दी रहें, बी नेचुरल बी हेल्दी। आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर सही ढंग से आपके शरीर में एनर्जी नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है जिसके कारण संपूर्ण शक्ति का एहसास नहीं कर पाते हैं, तो आप सुबह उठ के यह कुछ चीज़ें ज़रूर करिए। ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आंवला जूस। जी हाँ, आंवला जूस पियो सुबह आप। क्यों और कैसे, उसके क्या फ़ायदे होंगे वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप आंवला जूस पियेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप आंवला जूस सुबह एक गिलास पानी में, ध्यान दीजिए, आंवला जूस सुबह एक गिलास पानी में कितने ढक्कन, दो ढक्कन, एक गिलास पानी में दो ढक्कन डाल के आप पियोगे तो आपको अद्भुत फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे वही आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, सुबह उठना है, एक गिलास पानी में दो ढक्कन आंवले का जूस जो मार्केट में मिलता है वो डाल देना है और आपको पी जाना है। उससे क्या फ़ायदे होंगे वह मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सभी लोग जानते हैं आंवला संपूर्ण रूप से अमृत के समान है इस पृथ्वी पर। और अगर आपको किसी भी प्रकार का बाल का समस्या हो तो आप इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन कई लोग इसको इतना अनदेखा कर देते हैं कि यह आमतौर पे हमारे अगल बगल मिलता है लेकिन इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते। तो यह बाल को बहुत ही स्वस्थ रखता है, चमकीला बनाए रखता है, उसकी गुणवत्ता को सजोए रखता है, सफ़ेद होने से यह रोकता है। और जब इसका सेवन आप नियमित करने लगते हैं सुबह दो ढक्कन, तो यह जो झड़ने की मात्रा तेज़ हो जाती है उसको भी कम करता है। सबसे बड़ी बात, आपकी पूरी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, वात पित्त कफ को सही बैलेंस करके रखता है। वात पित्त कफ, ये तीन चीज़ें अगर आपके शरीर की बिगड़ी तो आपको बीमारी लगना वहीं शुरू हो जाता है। ये कैसे मेंटेन होते हैं आंवला के सेवन से, यह आपके शरीर में बहुत हद तक सही और कंट्रोल किया जा सकता है। वात पित्त और कफ, ये तीन चीज़ आपके शरीर में रहते हैं, अगर यह सही समय पे नहीं बैलेंस हुए तो आपके शरीर की अनेकों रोग आपको घेर लेंगे। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कुछ और भी जो प्रमुख प्रमुख बीमारियाँ हैं वह भी इससे ठीक हो सकती हैं। वह बीपी, ब्लड प्रेशर, जी हाँ, या आपके खून को ऐसे पतला बनाता है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाता, ताकि वो फ्लो हो सके प्रॉपर, और कोई भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी में जमा होती है उसको भी रिड्यूस करता है। ये बीपी को ठीक तो करता है, या साथ में शुगर पेशेंट्स को में भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो इसलिए दो ढक्कन सुबह पीना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चे को भी एक ढक्कन दिया जा सकता है, उसके स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को बहुत तगड़ी कर सकती है जी। आज के डेट में सभी लोग जानते हैं इम्यूनिटी का कितना ज़्यादा हमारे हम लोगों को आवश्यकता है, तो इसलिए इस चीज़ का प्रयोग अवश्य करें। तीसरा प्रॉब्लम है हार्ट की, जो स्क्रीन पे लिख रहा है। हार्ट प्रॉब्लम आमतौर पे भारत में कई सारे लोगों को हो रहा है, तो यह हार्ट प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है, यानी कंट्रोल करता है। तो जो सुबह सुबह नियमित इस चीज़ का सेवन करेंगे वह इससे लाभ पा सकते हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम, सभी जानते हैं आंवला डाइजेशन के लिए कितना सही है, तो यह डाइजेशन में भी मदद करता है। उसके आगे स्किन, स्किन की जो प्रॉब्लम है, विटामिन सी, यह पूरी तरीके से आपको आपकी स्किन को हेल्दी और अच्छा बनाता है, तो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने का भी काम करता है, ब्लड के फ्लो को सही रखता है, ताकि जो भी हीमोग्लोबिन आए आपके शरीर में एनर्जी कैरी करे और आपको शक्ति का एहसास हो। तो यह सब प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं दोस्तों, केवल कुछ ही चीज़ करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, वह है क्या, आंवला। तो क्यों ना हम घर बैठे इस चीज़ का प्रयोग करें और अपने जीवन को शुद्ध, सरल, निर्मल और स्वस्थ बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो आपको आसानी से सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू औषधि फ्रेंड्स।